गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं वरुण आप सबका एग्जामपुर डिफेंस परियर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। फटाफट ज्वाइन करेंगे पॉलिटी के इस नए सेशन में, फिर हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मॉडल पेपर क्वेश्चंस को। फटाफट ज्वाइन करें। हेलो निभा, हेलो एवरीवन, हेलो आर्मी भाई कैसे हैं। फटाफट ज्वाइन करते जाएंगे, ज्वाइन करते सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सेकेंड डे सर, थैंक यू भाई, वेलकम टू एग्जामपुर। हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, एक बार चेक कर लेंगे आप लोग, एवरीथिंग क्लियर। चलिए फटाफट ज्वाइन करते रहें सबको भाई। जय हिंद, नमस्कार, सबका स्वागत एग्जामपुर डिफेंस बैरियर पे। जिन्होंने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब वो कर लें। सर दिस इज माय फर्स्ट डे। ओके भाई, राजू शर्मा जी नमस्कार भाई, आपका बहुत ही स्वागत है। ठीक है चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर से देखिए पॉलिटी में, देखो एनडीए में ना सारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम 60% क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, वन लाइनर एमसीक्यू बहुत कम आएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग अपना खपाना है, स्टेटमेंट को समझना है, करेक्ट इनकरेक्ट देखना है, फिर जवाब देना, वो भी बहुत कम समय। ओके, 100 क्वेश्चन आएंगे आपको जनरल पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट से, तो उसको उस हिसाब से मैनेज करना है भाई। हेलो कुसुम शर्मा, हेलो आर्मी भाई। चलिए देखें क्या था, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मे परमिट ए मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज हर मदर टंग इफ ही सी कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ हरसेल्फ इन हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई सदस्य नहीं बोल पाता है तो लोकसभा का स्पीकर उसे ये कहता है कि आप अपने मदर टंग में बात कर सकते हैं, वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, द वर्क ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इज कंडक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। पार्लियामेंट्री कमेटी के सारे काम हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम, तीसरा, द वर्क ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इज इनवेरिएबली प्रिपेयर्ड इन हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश में तैयार किए जाते हैं सारे रिपोर्ट वगैरह इसके, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा दे सकेगा यदि वह हिंदी अंग्रेजी में अव्यक्त नहीं कर सकता। संसदीय समिति के कार्य हिंदी और इंग्लिश में ही होते हैं, संसदीय समिति के सभी मतलब जो रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश। क्या सही है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा और तीसरा, या पहला और तीसरा, क्या इसमें से सही है भाई। जिन्होंने देर से ज्वाइन किया भाई जय हिंद सभी को, फटाफट ज्वाइन करें सेशन को, लाइक शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, और फटाफट देखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि अब हम थोड़े से अंदरूनी क्वेश्चंस को देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है आपको, क्योंकि जो चलताओ क्वेश्चंस होते हैं कि भाई वो तो सबको याद हो जाते हैं, स्टैटिक में याद हो जाते हैं, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं आपको पॉलिटी में, वो आपको फुल्ली नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। किसी का आंसर नहीं आया भाई, कैसे सर ऐप पर क्लास कब से चलेगी, कौन से सब्जेक्ट के भाई ठाकुर साहब, सब्जेक्ट बताओ, बैच कौन सा है ये बताओ, फिर मैं आपको जवाब दूंगा इसका। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है आपको तीनों, ये तीनों के तीनों बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अगर कोई भी हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो अपनी मदर टंग में वहां पे अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। जो समितियां हैं आपको, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश में ही काम करेगी, रिपोर्ट हिंदी और इंग्लिश में ही बनेगी, उसमें और किसी मदर टंग लैंग्वेज में नहीं बनेगा। निभा आप सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेट। स्टेट वर्ड राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में, इसको बताइए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है। आर्टिकल 12 याद आ गया होगा, यानी कि पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35, यानी कि हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, राइट्स की कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें जो आर्टिकल 12 है उसने डिफाइन किया है राज्य को, व्हाट इज स्टेट, स्टेट को डिफाइन किया है कि कहां पे ये फंडामेंटल राइट्स आपको
लागू होंगे उसको देखना है। पॉलिटी की, भाई पॉलिटी की क्लास जो है एनडीए वन में सबसे लास्ट में लगेगी, यानी कि ये लगा लो कम से कम दिसंबर में लगेगी, ठीक है। पहले आप और भी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने। इट्स मीन्स ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट का डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 12 में। इट्स मीन्स ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है यहाँ पे। इट्स मीन ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव ईच स्टेट, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, बात हो रही है आपको इंडिया के गवर्नमेंट की और स्टेट के, जो स्टेट है उसके आपको सभी सरकारों की बात की जा रही है। या मींस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट्स एंड द लेजिस्लेटिव्स ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं भाई। भारत के संविधान में आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में जो परिभाषित किया गया है शब्द राज्य को, व्हाट इज स्टेट, राज्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें क्या सही है। हेलो रक्षिता, हाउ आर यू, ठीक है। पीडीएफ भाई एप्लीकेशन पे मिलेगा खुशी सिंह। इसका आश्रय केवल भारत सरकार से है, इसका आश्रय केवल भारत सरकार और भारत की संसद से है, इसका आश्रय केवल भारत सरकार, भारत की संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानमंडल से है, इसका आश्रय भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडलों तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों से है, अन्य प्राधिकरणों से है। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो आपको क्या है, क्या है स्टेट की डेफिनेशन भाई, वहां पे राज्य की परिभाषा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार में का जो पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 12, वहां पे डिफाइन किया गया व्हाट इज स्टेट, तो उसको आपको बताना है कि क्या है। नहीं पता किसी को, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, ए आ रहा है, ए आ रहा है सबका। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, चाहे किसी भी चीज का राइट्स, पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सिक्योर किया कि राइट्स आपके कोई छीन ना सके, इसीलिए एक स्टेट की परिभाषा दी, यानी कि यहाँ पे एक ऑथराइज ऑथोरिटी की बात की गई कि आपका कौन कौन आपको ले सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स आपको छीन सकता है। ओके, गेट वेल सुन भाई जल्दी रक्षिता। हाय गणेश यादव जी, सी आपका आंसर। तो कौन कौन आपको छीन सकता है, यानी कि जिसके पास पावर होगा, ऑथोरिटी होगी, वही तो आपका कोई भी मतलब कोई अधिकार को छीन पाएगा, इसीलिए उन सबको इसमें शामिल किया गया है। राइट आंसर इज द डी, इसका आशय है भारत सरकार से, भारत की संसद से, प्रत्येक राज्य की सरकार से, उसकी विधानसभा से और भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों से, मतलब कहीं भी आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, वहां पे भी अगर आपको कोई वहां का मालिक है, कोई मैनेजर है जो आपको ऐसी चीजें कर रहा है, ठीक है, उल्लंघन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो वो भी दायरे में आ रहा है। मतलब कोई भी ऑथोरिटी जो है, जो ऑथोरिटी ऑथराइज करती है किसी चीज को, वो आपको इस राज्य के आपको डेफिनेशन के दायरे में आएगा, ठीक है, जिससे कि वो फंडामेंटल राइट्स को आपको दबा ना सके। क्लियर है, डी इज द राइट आंसर। जय हिंद ज्योति राजपूत, जय हिंद। तो इसका जो स्टेट वर्ड, हर जगह देखो, जितने भी जहां भी कानून की बात होगी, चाहे आर्टिकल की बात होगी, जहां भी कोई चीज की शुरुआत होगी, डीपीएसपी या किसी भी चीज का, तो वहां पे एक स्टेट का डेफिनेशन जरूर देगा कि ये कहां पर लागू होगा। स्टेट का मतलब वो अथॉरिटी पूरी की, किस किस अथॉरिटी पे ये लागू आपको किया जा सकता है, तो ये आपको सारे सरकारें इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स इन द सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कर्नाटक, कौन सा है जहां पे सबसे अधिक राज्यसभा के क्षेत्र है, राज्यसभा के सीटें हैं। ध्यान देना है आपको, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के
दो पार्ट आपको बता चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जहां लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, आपको निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, और इसको अपर हाउस कहा जाता है, आपको अपर हाउस राज्यसभा को। तो राज्यसभा में टोटल मेंबरों की संख्या 245 आपको, जिसमें 233 निर्वाचित और बाकी 12 मनोनीत होते हैं, और लोकसभा में 543 है आपको। ठीक है, तो ध्यान देना है हमें कि सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें कहाँ आएगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटका में सबसे अधिक कहाँ है, सबका आ रहा है ठंड का सी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि राजस्थान का एरिया जो है सबसे ज्यादा है अभी के राज्यों में। हमने एक मस्त सा कॉमन सेंस लगाया और उसका आंसर दिया सी। ठीक है, निभा यही है ना गणेश और निभा, आप लोगों ने इसीलिए राजस्थान को कंसीडर किया कि राजस्थान चूंकि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा है, इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा सीटें होंगी राज्यसभा की। और किसी का आंसर, एनीवन एल्स? भाई सबसे पहले याद रखना, लोकसभा की सीट हो, राज्यसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, ये सभी निर्धारित किए जाते हैं जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, इसका बेस पॉपुलेशन होता है, इसका बेस एरिया नहीं होता है। तो एरिया के हिसाब से करोगे तो भाई बहुत ही फंस जाओगे। तो सबसे ज्यादा तो भाई यूपी में है, पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, 31 सीटें आपको यूपी में मिल जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल सी बात है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक नजर आए बता देना वहीं पे सबसे अधिक है, इतनी सर अकल लगाना था बस हमें। तो अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में कितने, आपको आंध्र प्रदेश में 7 सीटें हैं आपको। ठीक है, बिहार में जाएंगे तो 16 सीटें मिलेंगी आपको। ठीक है, अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में 10 सीटें मिलेंगी, कर्नाटका में 12 सीटें मिलेगी भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे भाई, बिहार में। ठीक है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि आपको एरिया के अकॉर्डिंग चलने वाला है। राकेश चौधरी जी, सी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या देना है हमें, इसका आंसर देना है बी, यानी कि बिहार में। ठीक है, क्लियर। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 31 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वीमेन इन पंचायत। पंचायतों में आपको जो वीमेन्स को, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, आपको किस आर्टिकल के तहत दिया गया? आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243C, 243D, 243E, किस आर्टिकल के तहत आपको दिया गया है? बिल्कुल बिहारी होगा भाई, किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? ठीक है, बिहार राज्य का अधिकता या भारतीय संसद का उसका संविधान 80 में, ये तो बहुत लंबा लंबा आपने बता दिया भाई, समझ गए। ठीक है, हाँ चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं ये कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आपको पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा मिला तो 1/3 सीट आपको वीमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए आपको रिजर्व किया गया। तो ये रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत बिलोंग करता है, 243B, 243C, 243D या 243E के तहत, किसके तहत आए? खुशी सिंह, केंद्र शासित प्रदेश में भी अब 3 में राज्यसभा की सीटें आएंगी, जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा का जब गठन हो जाएगा तो वहां से भी आएगा, और दिल्ली और पुडुचेरी से भी आता है। ओके, ध्यान दीजिए, किस आर्टिकल के तहत महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, किसमें? पंचायती राज में। पंचायती राज में आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? देखते हैं, अगर आर्टिकल बी की बात करें इसमें, तो बी में आपको पंचायत के स्तर की बात की गई है, आपको पंचायती राज का स्तर की बात हुई है कि कितने स्तर के पंचायती राज होंगे, जो 3 स्तर है उसकी बात की गई है। आर्टिकल 243C में अगर आप चले जाओ तो सी में किसके बारे में बात की गई है? सी में वही आरक्षण के बारे में बात है
ये तो बिल्कुल सही है भाई। डी में बात करेंगे, ठीक है 243 डी में, तो डी में सॉरी सी में संरचना की बात की गई है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात की गई है कैसी संरचना होगी। और डी की बात करेंगे तो डी में आपको 1/3 महिलाओं का जो आरक्षण है उसकी बात की गई है। और ई की बात करेंगे तो ई में इसके कार्यकाल की बात की गई है कि कितनी कार्यकाल इस चीज का होगा। तो डी इज द सी इज द राइट आंसर 243 डी। किस किस का आया? हेलो विजय पटेल भाई, पटले भाई, विजय भाई नमस्कार भाई, ठाकुर भाई 33 ओके डी 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 आर डी नहीं भाई, आर्टिकल 243 डी आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी आ रहा है, आपको ऑप्शन देना है भाई। नमस्कार नमो भाई, जय भवानी, डी डी ऑप्शन डी नहीं सी आएगा, ठीक है बिल्कुल आर्टिकल 243 डी के तहत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के से कौन सा आपको इसमें गलत है? राइट टू एजुकेशन हैज बीन एडेड अंडर द आर्टिकल 21A बाय द 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज द मेंशन इन द आर्टिकल 22, द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंक्लूड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके द रिट जुडिशन ऑफ द हाई कोर्ट इज द वाइडर देन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हिंदी में देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है इसमें? संविधान के 85वें संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 क में के अधीन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, आर्टिकल 22 में निवारक निरोध के बारे में बताया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में है, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारता भारत के उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है। ध्यान दीजिए क्या आपको इसका सही आंसर है, क्या इसमें एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है एक स्टेटमेंट आपको गलत है। आर्टिकल 48 बेटा विजय भाई डीपीएसपी से संबंधित है, 36 से लेकर 51 तक सारे डीपीएसपी से है। उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारता भारत के उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है भाई, ध्यान देना है। बिल्कुल खुशी सिंह बिल्कुल सही थे इसमें, देखिए कौन सा स्टेटमेंट एक गलत है, एक स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है, उसको सही करना है, तो उसका सही स्टेटमेंट क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, जो देर से आए हैं दुरुस्त आए हैं भाई, फटाफट ज्वाइन करते जाएंगे सेशन को, लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली आपकी प्रैक्टिस सेशन 7 बजे स्टार्ट होती है पॉलिटी एनडीए के लिए, बाकी पूरे दिन आपको चैनल पे एनडीए के रिगार्डिंग सारे क्लास यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, इतने सारे कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी चल रहे हैं, ठीक है बिल्कुल विजय भाई हमारी शुभकामनाएं हैं। और सफलता जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है, अब आपको पता चल गया है कि जो डिस्क्वालीफाई कैसे हुआ जाता है, अब वो पक्का क्वालिफाई हो जाएंगे, मेरा पूरा भरोसा है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले संविधानिक उपचारों का अधिकार भाग, बिल्कुल भाग 3 में ही है भाई, आर्टिकल जो 32 है भाग 3 में सही है, आर्टिकल 22 में निवारक निरोध है, ये भी रिट से संबंधित सही है, उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है उच्च न्यायालय का क्षेत्र, ये गलत है, ये 85th नहीं होगा, ये 86th है, 86 नंबर का संशोधन था भाई आपको 2002 में आया था, ठीक है यहाँ पे एक गलती थी 85, 85th अमेंडमेंट नहीं था, 86 अमेंडमेंट होना चाहिए था वो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के रिगार्डिंग क्या सही है? द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368, ए बिल टू द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी द प्रिवेंटेड इन द एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेजेंटेड इन द एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ द आर्टिकल 368 बेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द जनरल लेजिस्लेशन, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। संवैधानिक संशोधन से संबंध में कौन सा सही है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है आपका,
संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है और आर्टिकल 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर संवैधानिक शक्तियां निहित है, यानी कि मतलब कुछ मामलों में आपको राज्य की विधानसभाओं का भी दायित्व तो है कि वो आपको इसको पास करे, संवैधानिक संशोधन में भाग ले आपको। ठीक है, चलिए फटाफट देखें। नहीं, लास्ट ऑप्शन सही है विजय भाई। रिट के मामले में आपको जो उच्चतम न्यायालय से ज्यादा पावर उच्च न्यायालय के पास, मतलब उसके उसका पावर नहीं, उसका क्षेत्र बहुत वाइड होता है, उसके पास बहुत सारी चीजें पहुंचती है, कई चीजें होती है ना, कई डिस्प्यूट लेके आप उच्चतम न्यायालय में सीधे चले जाओगे तो भगा देंगे आपको, कहेंगे पहले हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट से बात करो, अगर हाई कोर्ट बात को नहीं समझ रही है फिर हमारे पास आओ। ठीक है, तो उसका जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। 5 का ए ए ए ए आ गया राकेश चौधरी, ओके भी निभा रक्षिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कौन सा है, वनली वन, वन टू थ्री, टू एंड थ्री, वन एंड टू, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिगार्डिंग है कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ध्यान देना है। कौन सा सही है, आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में ही है, बिल्कुल है भाई, मैं तो सहमत हूँ, उसी में है। संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद किसी भी सदन में रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, मनी बिल के सिवाय किसी को भी कहीं भी रखा जा सकता है, मनी बिल ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस आप कर सकते हैं। आर्टिकल 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर संवैधानिक शक्तियां निहित करती है, बिल्कुल आपको विशिष्ट शक्तियां निहित करती है, यानी कि बी, वन, टू एंड थ्री तीनों सही होना चाहिए। किसी का आया भाई, 6 का नहीं आ रहा है सर, तीनों के तीनों सही है भाई, तीनों के तीनों सही है इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ओके, संविधान संशोधन से संबंधित सबके सब सही है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सर्कमस्टेंसेस इमरजेंसी इज नॉट प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 352, 356 राज्य से संबंधित, 360 आपको आपको वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधित, ये तीनों आपको इमरजेंसी के आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति किस चीज के लिए आपातकाल नहीं लगा पाएगा, युद्ध के समय नहीं लगा पाएगा, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह, कब आपको राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो नहीं उद्घोषणा नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिए, गुड इवनिंग भाई, यूपीएससी लवर, हाउ आर यू, बिल्कुल विजय भाई बताएं। पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे जाके एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहीं पे आपको सारे बैचेज उपलब्ध हैं। ठीक है, कुछ बैचेज के आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएंगे, कुछ को परचेज करने के बाद मिलेंगे, सारे पीडीएफ वहीं पे लगते हैं। जाके ए आ रहा है, युद्ध के समय नहीं लगा सकते। देखो भाई ऐसा है ना, ये चारों ऑप्शन जो है, ये चारों ऑप्शन में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति लगा सकते थे पहले, कब, 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में। देखो एक तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, कहा जाने लगा 42 को 1976, इतने सारे संशोधन कर दिए गए, उन संशोधनों को सही करने के लिए उसके बाद कई संशोधन करने पड़े। तो यहाँ पे जो आपातकाल जो लगाई गई थी उसमें आपातकाल का टाइम था 1975, आंतरिक अशांति को आधार माना गया था। ठीक है, अब आंतरिक अशांति को आधार मानकर राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता है, ये संशोधन कर दिया गया, क्योंकि इसका क्या है कि आपको गलत इस्तेमाल किए जाने की आशंका थी कि कोई गलत इस्तेमाल करेगा बता के, हाँ भाई आंतरिक अशांति लगा दो। अब इसमें है कि देश तो इतना बड़ा है, पूरे देश में तो आंतरिक अशांति होगी नहीं, देश के जिस पार्ट में आंतरिक अशांति होगी वहां लग जाएगा, और वहां कौन सा आर्टिकल यूज कर देंगे, 356, 356 यूज कर देंगे उस राज्य के लिए, उस शासित प्रदेश के लिए भाई, कि भाई आपके यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे लगा रहे हैं आपको राष्ट्रपति शासन। तो बिल्कुल याद रखना है आपको कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अब आंतरिक अशांति की स्थिति में नहीं कर सकता है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में
क्लियर कर दिया गया। ठीक है, चलिए ध्यान सबका आ गया भाई। क्या हम राष्ट्रपति को अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उस पर महाभियोग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, याद रखना। ठीक है सर, पीडीएफ प्राप्त करूं, हो गया भाई। जय श्री राम गुरुजी भाई, जय जतिन। ठीक है राजू शर्मा जी, बी किसका नंबर दीजिए, क्वेश्चन का नंबर दिया कीजिए। ओके, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, विशेषाधिकार है उनके पास। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो हमारा निर्वाचन वो बनता है, निर्वाचन पत्र बनता है, मतदाता सूची, उसमें के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है, क्या इसमें सही है। एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज ए कॉमन इलेक्टोरल रोल। ओके, नो पर्सन इज द इन एलिजिबल फॉर द इंक्लूशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस एंड कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लेस देन द 18 इयर्स ऑफ एज मे हिज हर वोट अनलेस ही सी द डिस्क्वालिफाइड अंडर द एनी लॉ ऑफ द एप्रोप्रिएट। देखते हैं क्या कह रहा है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नवावली होती है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु का है अपना मतदान कर सकता है, जब तक कि किसी समुचित आपको विधानमंडल यानी कोई कानून के तहत जो विधानसभा या लोकसभा ने बनाया, संसद ने बनाया है, उस कानून के तहत उसे वंचित ना कर दिया है, वो वोट दे सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या लगता है आपको, जो हमारा मतदाता सूची है इससे संबंधित कौन सी चीजें सही है इसमें से? आर्टिकल 324 आपको निर्वाचन आयोग ध्यान देंगे, ध्यान दे भाई सोनीपत भाई। नहीं करना पड़ेगा विजय पाटिल, ऐसा होगा ही नहीं। देखो आप राष्ट्रपति को अरेस्ट कब करना चाहोगे, जब राष्ट्रपति अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, कुछ गलत किया है, यानी संविधान के अगेंस्ट गया है, जब संविधान के खिलाफ काम कर रहा है तो उसमें महाभियोग लगेगा, इंपीचमेंट चलेगा आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, उन्हें पद से हटाया जाएगा। ध्यान दीजिए, मतदाता सूची से संबंधित क्या है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होती है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इसमें से किसी एक के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होता है, पर भारत का कोई भी नागरिक 18 वर्ष की आयु का है तो अपना मतदान कर सकता है, तब तक जब तक कि किसी कानून के अंतर्गत उसको ना कर दिया जाए। ठीक है, अब बिल्कुल भाई कोई कानून नहीं उनको अरेस्ट करने के लिए। बी 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 बिल्कुल, ये तीनों के तीनों सही है भाई। जो 18 साल से ऊपर है सबके सब भाई मतदान कर सकते हैं, जब तक कि आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं कर दिया जाए और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता है। हुज पार्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, लोक उद्यम विभाग किसका अंग है? तो जो लोक उद्यम विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंतर्गत, या मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लोक उद्यम विभाग यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज किसका पार्ट है, इसमें से कौन से डिपार्टमेंट का पार्ट है? ध्यान दीजिए सर, एज लिमिट क्या है एनडीए की? एनडीए की एज लिमिट भाई अगर आपका वही 16.5-17 तक का है, वो हर बार निकाल वही 17 तक का होना चाहिए भाई। और जब आएगा तो उसमें दे देते हैं स्टेट तक इतना होना चाहिए। लोक उद्यम विभाग किसका पार्ट है इसमें? फाइनेंस मिनिस्ट्री का यानी कि वित्त मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री का, भारी उद्योग मंत्रालय का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रधानमंत्री कार्यालय का, या मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का, किसका है? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे
लोक उद्यम विभाग, अगर ध्यान देंगे नहीं पता तो कोई नहीं भाई, लोक उद्यम विभाग जो है पहले भारी उद्योग मंत्रालय में आता था, अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये वित्त मंत्रालय में है। ये पहले वित्त मंत्रालय में 5 डिपार्टमेंट थे, अभी के टाइम में 6 डिपार्टमेंट पे काम करता है वित्त मंत्रालय। वो 6 डिपार्टमेंट कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। सबसे पहला आर्थिक मामले, जितने भी आर्थिक मामले हैं आपको सभी वित्त मंत्रालय के अधीन आएंगे। और कौन से मामले आते हैं भाई वित्त मंत्रालय के अधीन? राजस्व, जितने भी रेवेन्यू है वो उसके अंतर्गत, वे जितने भी आपको खर्च है वो इसके अंतर्गत आएंगे। और क्या आएंगे? वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और निवेश, ये भी इसके अंतर्गत आएगा आपको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। और क्या आने वाला आपको? सार्वजनिक संपदा का प्रबंधन, संपदा का प्रबंधन ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो 5 हो गए और छठा हो गया हमारा ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो ये 6 डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आपको आते हैं। पहले ये भारी उद्योग मंत्रालय के साथ हुआ करता था। बिल्कुल भाई 9 का ए ए ए, ये ए सही है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कितने डिपार्टमेंट आते हैं, उसके तो उसके 6 आते हैं। पहला वित्तीय, वित्त से सब जितने भी फाइनेंशियल सेवाएं हैं और वो जो निवेश है इन्वेस्टमेंट वो आएगा, सार्वजनिक संपदा का प्रबंधन, आर्थिक सभी मामले, रेवेन्यू और खर्च, और फिर जो आपको पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो भी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसरण में भारतीय संसद ने वर्ष 2017 में कई जीएसटी अधिनियमों को अधिनियमित किया था, इसमें से कौन सा इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? जीएसटी के अंतर्गत क्या नहीं आता है, उस अधिनियम के तहत क्या नहीं आता है? पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम एक्ट। दूसरा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम। तीसरा है आपको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, या नन ऑफ दीज, यानी कि तीनों ही आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इस एक्ट के तहत नहीं आता है। ध्यान दें, जो हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2016 में किया गया के अनुसरण में भारतीय संसद ने वर्ष 2017 में पास किया, इसको जीएसटी अधिनियम के तहत, इस अधिनियम में कौन सा पार्ट इस अधिनियम का नहीं है जिसको पास किया गया था? उस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कौन सा नहीं है? डी 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 क्या आ रहा है भाई सबका? नंबर के साथ आंसर देना भाई। जीएसटी जो पारित हुआ 2017 में, इसमें क्या नहीं शामिल था? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, कौन सा शामिल नहीं है? सी शामिल नहीं है, स्टेट वाला। ओके, सी शामिल नहीं है। ओके, देखते हैं भाई, गलत है, तीनों शामिल है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड और स्टेट, तीनों, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग क्या करते हो, जो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होता है ना, उसकी तरफ तो कभी झांकते भी नहीं हो, सोचते भी नहीं हो, सोचते हो भाई हाथी के दांत दिखाने के हैं, छोड़ो इससे हमारा क्या मतलब, कभी विचार कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not correct regarding the Enforcement Director ED? बहुत चर्चे में है भाई ED, ठीक है, Enforcement Director ED, प्रवर्तन निदेशालय। It is a special financial investigation agency under the Revenue Department, Ministry of Finance. Okay. It enforces the Foreign Exchange Management Act 1999,
It enforced the prevention of the Money Laundering Act 2002. It enforced the prohibition of the Benami Property Transaction Act 1988. क्या आपको करेक्ट प्रवर्तन निदेशालय के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है? ये आपको राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रवर्तन करता है, उसके तहत काम करता है, ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत काम करता है, ये बेनामी संपत्ति अधिनियम 1988 के तहत काम करता है। क्या है आपको ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, जो ईडी बहुत ही चर्चे में भाई प्रवर्तन निदेशालय, ये इसमें कौन सा आपको ऑप्शन गलत है, आपको क्या गलत लग रहा है? इसमें एक ऑप्शन इसके लिए गलत है, ध्यान देना है, यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विशेष वित्तीय अन्वेषण अभिकरण है, एजेंसी है, ये विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 का प्रवर्तन करेगा, ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का प्रवर्तन करेगा, ये बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रशासन अधिनियम 1988 का प्रवर्तन करेगा। किसका करेगा? ये 11 का सी गलत है। ओके, और किसी का भाई? विजय भाई बीआर स्टूडियो, 11 का सी गलत है, सी गलत है। चलिए मैं बताता हूं, सी गलत होगा तो काम ही क्या करेगा वो, उसके तो 90% जांच ही धन शोधन पे ही चलता है कि कौन कौन पैसा को इधर से उधर किया है अनइलीगल। ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नहीं देखता है, ठीक है, ये आप इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, समझ गए? ईडी विदेशी मुद्रा जो प्रबंधन अधिनियम है उसके लिए फिर दूसरा डिपार्टमेंट है आपको, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको प्रमुख रूप से अगर देखेंगे तो इसमें फेमा वेमा कानून, बहुत सारे कानून उसमें लग जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो डी इसका आंसर, सी इसका, बी इसका आंसर होना चाहिए। कुसुम शर्मा, कुमारी निभा, निभा बिल्कुल बी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिए, एक इसमें फिर से गलत है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, कृषि आय पर कर राजसूची का विषय है। प्राइस कंट्रोल इज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, मूल्य नियंत्रण संवर्ती सूची का विषय है। नॉट इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट, बीमा संघ सूची में शामिल नहीं है। और वन समूर्ति सूची का विषय है इन कॉन्करेंट लिस्ट का, जैसा कि आपने सेवन शेड्यूल में पढ़ा होगा, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कामों का बंटवारा आपको केंद्र सूची, जो संघ सूची जिसे कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बटा हुआ है, जिसमें संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन सुपीरियर केंद्र सरकार का होगा, एक साथ कानून बन गया। इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ध्यान दीजिए, सही नहीं है कि वन फॉरेस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट, यानी कि वन समवर्ती सूची का विषय है, बीमा संघ सूची में शामिल नहीं है, मूल नियंत्रण संवर्ती सूची में है, कृषि आय पर कर राज्य सूची में है। क्या लग रहा है कि आपको गलत है? इसमें से एक ऑप्शन आपको इसमें गलत है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इस सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, राजू शर्मा जी, 11th का डी लग रहा है, वो तो चला गया 11th का डी आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप सच में सीरियस हैं तैयारी के लिए, तो जिस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन के आंसर गलत हो रहे हैं, तो याद रखिए उस टॉपिक को जाके रिवाइज कीजिए, फिर से पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है। 12 का सी है, बी लग रहा है भाई, लगने वाली बात मत करो, बिल्कुल सही है सी वाले, बीमा संघ सूची में शामिल नहीं है भाई, बीमा संवर्ती सूची का विषय, सॉरी संघ सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय आपको है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बीमा संघ सूची में शामिल है, इंश्योरेंस इसका सब्जेक्ट है भाई, सी, राजू शर्मा जी आपका पहला सही था। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की संघीय व्यवस्था से आपको बारे में क्या गलत है।
there is no equality in the representation of the states in the Raj Sabha. Okay. Sikkim was not initially included as the full-fledged state in the union. A special provision had been made for the Andhra Pradesh in the Constitution of India under Article 371D. The Constitution of India invites the federal government to acquire utility of the power during the emergency. यानी कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है. आरंभ में सिक्किम को संघ में पूर्ण राष्ट्र के रूप में शामिल नहीं किया गया था. भारत के संविधान में आंध्र प्रदेश के लिए 371 घ के अधीन विशेष उपबंध किए गए हैं और भारत का संविधान आपात स्थितियों के दौरान संघीय सरकार को एकात्मक पद्धति की शक्ति को आपको अर्जन करने की शक्ति देता है. क्या लग रहा है आपको, कौन सा आपको इसमें ऑप्शन जो है वो एक सही नहीं है, करेक्ट नहीं है इसमें से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है भाई? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है. आरंभ में सिक्किम को संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था. या भारत के संविधान में आंध्र प्रदेश के लिए आर्टिकल 371 घ के अधीन विशेष उपबंध किए गए और भारत का संविधान आपात स्थितियों के दौरान संघीय सरकार को एकात्मक पद्धति की शक्ति अर्जित करने में सक्षम बनाता है. 13 का डी आ रहा है, डी आ रहा है गलत नहीं है भाई. डी तो बिल्कुल सही है. अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में आपातकाल लगेगा तो सारी शक्तियां तो केंद्र सरकार के हाथों में आएगी आपको, ठीक है, तो डी भी सही है. भारत के संविधान में आंध्र प्रदेश के लिए आर्टिकल 371 घ में किए गए हैं भाई. सिक्किम पहले सहराज्य बना था, पहले सहराज्य था, ठीक है, 35 में अमेंडमेंट में और 36वें में जाके शामिल हुआ आपको 75 में फिर, ठीक है, तो पूर्ण राज्य के रूप में बाद में शामिल हुआ. ये जो कह रहे हैं राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है, बिल्कुल समानता है. देश के सभी राज्यों में जनसंख्या के आधार पर दी गई है, पॉपुलेशन के आधार पर आपको दी गई है, यानी कि बिल्कुल समानता है. प्रतिनिधित्व में समानता की बात, आप सीटों की संख्या पर मत चले जाना कि आप ये सोच लिए कि सबके सीटों की संख्या एक जैसी नहीं है. ये कह रहा है कि प्रतिनिधित्व मिला है, रिप्रेजेंटेशन मिला है राज्यों को, उसके मापदंड में कोई समानता नहीं है भाई. समानता है, ठीक है, उसको समानता ऐसे है कि वो जनसंख्या के आधार पर है सभी के सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरोपित कतिपय युक्ति युक्त निर्बंधनों के अधीन है. ये निर्बंधन निम्नलिखित हो सकते हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच में है कि आप अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता कर सकते हैं. लेकिन एक क्रिटिसिज्म होता है ना फंडामेंटल राइट का, एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से ले भी लेते हैं, तो सरकारें ऐसा कानून भी बनाती है जो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगाम लगाती है. कब कब, जैसे कि डेफिनेशन, मानहानि करना, कोई आपके बारे में गलत बोला है जिससे कि आपको ठेस पहुंची है, आप उस पर मानहानि कर सकते हो, होता रहता है, आप न्यूज में सुनते रहते हो, ठीक है. शिष्टाचार एवं नैतिकता, ठीक है, किसी से बात करिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि उसको गाली दे के बात करिए, तमीज से बात करना पड़ेगा आपको. गाली देने का ये नहीं कहोगे कि हम गाली दे रहे हैं, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं, ठीक है. किसी अपराध के लिए किसी को उकसाना, किसी को उकसा देना अपराध के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, तो क्या लगता है आपको कौन सा आपको इस तीनों में जो आता है इसके दायरे में, जिसके अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगाम लगाया जाता है, इसके लिए कानून बना के आपको कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे? ओनली वन, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री एंड वन टू एंड थ्री, क्या लग रहा है आपको कौन सा इसका आंसर होगा भाई? हाय दिलशेर सिंह भाई, नमस्कार. 14 का सी आ रहा है, सी, वन एंड थ्री ओनली, यानी कि शिष्टाचार नैतिकता की कोई बात नहीं, आप गाली गलौज कर सकते हो, किसी से उल्टा सीधा बोल सकते हो, उसके लिए आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, डांटेगा नहीं, उसके लिए आपको सजा नहीं होगी, या मतलब आप फ्री है ऐसा कहने के लिए. तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, डी इज द राइट आंसर भाई. वन टू एंड थ्री, तीनों के तीनों, ये तीनों काम में कुछ भी करना अलाउ नहीं है. अगर ऐसा करोगे बच्चे तो फिर समझ लो कि जेल की हवा खानी पड़ेगी, मानहानि हुआ तो पैसा भी देना पड़ेगा. फिर समझ में क्यों नहीं आया भाई ये क्वेश्चन में ऐसा क्या था भाई?
मानहानि का केस इसी में होता है, आर्टिकल 19 ए के तहत अगर आप गलत बोल रहे हो, आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पे फायदा ले रहे हो। हाँ बिल्कुल रॉकी भाई सही थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विकल्प को मुक्त करता है, मतलब आपात की जो उद्घोषणा की जाएगी उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है, सॉरी उसको रिव्यू किया जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। पहले ये था ना कि आपातकाल को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर उसे रिव्यू करने लायक बनाया गया कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 39, 40, 42 या 44 के तहत, किसके तहत बनाया गया, फटाफट देखिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विकल्प से उन्मुक्त करता है, यानी कि उसको प्रोक्लेम करता है कि वो होगा। 15 का डी 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 डी, बिल्कुल भाई 44वां में वो सारी चीजें की गई जो 42वें में गलतियां की गई थी, उसमें बहुत सारी चीजों को सही किया गया। 42वें में इतनी सारे आपको अमेंडमेंट हुए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसमें से बहुत सारी चीजों को इसमें सुधारा गया, ठीक है। कोई नहीं, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये थे आज के क्वेश्चंस। तो एक चीज बता दूं मैं, अगर आपके कोई दोस्त हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बता दें कि फ्लिपकार्ट पे अभी 7 और 8 अक्टूबर तक 2 दिन ऑफर चल रहा है, हमारे एग्जामपुर के सारे बुक्स, ठीक है, वहां पे अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस। नोट्स आप देखेंगे 499 में है आपको, या आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे ओनली 149 में आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 149 में है, और कॉम्बो सेट 249 में आ रहा है, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सभी फ्लिपकार्ट पे ये सेल उपलब्ध है 7 और 8 के लिए, अक्टूबर के लिए। तो कोई भी आपके जानने वाले हो, अड़ोसी पड़ोसी जानने वाले भाई बहन, उनको बता दो कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, और अपना एनडीए का बैच NDA 1 का चल ही रहा है ओनली 1499 में, तो आज ही ज्वाइन करें। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अपने दोस्तों को बताओ भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में और बात करेंगे फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस की, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। अगले सेशन में अभी साइंस के सेशन में मिलेंगे हम लोग थोड़ी देर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें भाई। जय एग्जामपुर, विजय एग्जामपुर भाई, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।